आदम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरा नाना ऐसा सखी था, मेरे नाना का महल था। मेरे लफ्ज सुनना, मेरे एक एक लफ्ज की तह में एक और लफ्ज होता है। आदम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरे नाना का महल था, उसने महल के 8 दरवाजे रखे हुए थे और अपनी कौम को बता रखा था मुझसे लेने के लिए इस दरवाजे पे आ जाना, ये बंद हुआ इधर से 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 आ जाना। वो जब चुप हुआ, अब हुसैन बोला। हुसैन बोल के कहते हैं, तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को लेने के लिए एक ही दरवाजा दिखाया। तेरे नाना ने बता रखा था ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था, कभी ये दरवाजा बंद हो जाएगा, कभी ये दरवाजा बंद हो सकता है, कभी इस दरवाजे वाले को नींद आ सकती है, कभी इस दरवाजे का मुजावर ऐलान कर सकता है कि साल में एक ही दफा खोला जाएगा। और जो मेरे नाना ने दरवाजा दिखाया था, साथ बता दिया था, दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंदुरुस्ती में आ तेरी मर्जी, छोटा है आ बड़ा है आ, औरत है आ मर्द है आ, जहां है वहीं पर आ। उसके दरबार में आकर जबीने निराज झुकाना तेरा काम है और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम। शहादत की जरूरत थी तो हुसैन बोला, और हुसैन को कौन बताए शहादत के लिए कब बोला जाता। हुसैन बोल के कहते हैं, मेरे नाना ने जो दरवाजा दिखाया था, बता दिया था, जब आएगा, जब आएगा उसके दर पर जबीने ने आज को झुकाएगा, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता था। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, अब शी है ये कर्सी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तख़य्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत के करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एक आग है कौन है की तखलीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू, अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर किस्से उज़ैर की कुरान गवाह है, मुर्दों को सरे आम जिलाता तू है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। जहां कोई डाका मारे वहां बोलना इसे ईमान कहते हैं और उसे गवाही कहते हैं। जो खत्मे नबूवत पे घर में बात करना बिल्कुल ठीक है, मैं उससे कोई मना नहीं कर रहा, मैं ये कोई नहीं कह रहा कि उसकी फजीलत नहीं है, उसका दर्जा नहीं है। लेकिन जहां कोई खत्मे नबूवत पे डाका मारे वहां फिर सर झुका कर ये नहीं कहना यहाँ मेरी कोई हिकमत है, कोई मसलहत है। फिर तू हिकमत ही संभालेगा, मसलहत ही संभालेगा, फिर मोमिन नहीं रह सकता। फिर जो रब के साथ ये अहद है, रसूलुल्लाह के साथ ये जो अहद है, अल्लाह मैं तेरा गवाह, मैं रसूलुल्लाह का गवाह, फिर उस गवाह की, उस हल्फ की पासदारी नहीं हो सकती। आका के बाद, मेरे प्यारे आका के बाद अब कयामत तो आ सकती है, कोई नबी, कोई नबी आका के सर अकदस पर खत्मे नबूवत का ताज सजाया है। अल्लाह ने मेरे आका को मकसूदे कायनात बनाकर, मरकजे कायनात बनाकर, हादीए कायनात बनाकर, रूहे कायनात बनाकर, तबीबे कायनात
उसने कायनात बनाकर, रौनके कायनात बनाकर, बहारे कायनात बनाकर, फखरे मौजूदात बनाकर, जमीय हसनात बनाकर, सैयादना मकाम बना के भेजा। और लोग एक जुमला आ गया, पत्नी चंगा लगेगा यानी ना भी लगे तो मैं तो करना विलादत की बात होती है और की जाती है। विलादत कोई ऐसा इशू नहीं कि उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि मुनकर जो कोई नहीं मिलाद का है, वो मुनकर एक बंदा मनु कहते हैं मिलाद मन दे हो, मैं क्या मन दे कहना मनाने भी हो, मैं क्या मनाने की शह है तो नहीं तो चलो मना लेते हैं। कहते फिर साढ़े नार रल जाओ, मैं क्या साढ़ा बड़ा दिल है तुहे नार रलन की हलवा कि नहीं चुकता है मिलाद मन दे, मैं क्या मनते मना हो, मैं क्या मनाने प्यारे आका पैदा हुए, पैदा विलादत हुई, लेकिन हुई कहां? लाहौर में, मनु खुशी होती जो तबलीगी जमात वाले भी बोलते। अच्छा तुम कहो गे यकदम ये गल कि आ गई, मैं चेहरे पढ़ लेना। और वैसे भी अगर वर्दी तो पता चल जाता है बैक मार्केट है। सुभान अल्लाह कहो जरा, सुभान अल्लाह। इतनी भाइयों ने बताया है कि सुभान अल्लाह कहे तो जन्नत में दरख्त लगता है। विलादत का कोई मुनकर नहीं, आका पैदा हुए, हुजूर की विलादत हुई, लेकिन हुई कहां? लाहौर में नहीं, पाकपतन में नहीं, इस्लामाबाद हुए, फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अंत हिलम बिहाज़ल बलद, सुभान अल्लाह, व वालिदिन व मा, सुभान अल्लाह, मुझे मक्का की कसम, सुभान अल्लाह, मैं उर्दू बोल रहा हूं, पठान जी बोलिए, सुभान अल्लाह। एक पठान नहर में गिर गया, तैरना नहीं आता था, यूं इधर उधर हाथ मार रहा है, मार रहा है, मुश्किल हो रही है, क्या करूं? उसके हाथ में एक मछली आ गई, मछली को पकड़ा, उसे पैर फेंकते हुए कहा मार, तुम तो जान ले जाओ, होश में बैठे हो, 12 बजे इंशाल्लाह छुट्टी नहीं, आप जाहिर है जितनी आप मुझे तवज्जो दोगे मैं उतनी रुक रुक के फिर आगे बढ़ूंगा ना। मुझे माना है मुझे मक्का की, लेकिन अल्लाह तो फरमा रहे हैं ला उक्सिमु, छोटा सा दाद गरम हूं, मैं नहीं चाहूंगा मेरी गुफ्तगू में कोई लफ्ज जायदा हो, कोई शायर नहीं चाहेगा उसके कलाम में कोई लफ्ज जायदा हो। माना वही जो मुफस्सरीन ने लिख दिया, मुझ पे फतवा नहीं लगाना, मैं फतवे से बहुत डरता हूं, और आजकल फतवे हैं भी बहुत, जिन्हों पूछो तू कौन है वो सिर्फ ये नहीं कहना मौलवी मुफ्ती, माना वो जो मुफस्सरीन ने लिख दिया, तो मैं डर नहीं जाऊंगा।
पिता की कसम नहीं उठाता। लाज आएगा एक लम्हे के लिए, ला को उसके माने पे रहने दो, एक लम्हे के लिए ला को उसके माने पे रहने दो, लुत्फ आएगा आपको। तवज्जो, मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं किसी की शान बढ़ानी हो तो कसम उठाई जाती है, किसी की अजमत को बताना हो तो कसम उठाई जाती है, किसी की रिफत को बताना हो तो उसकी कसम उठाई जाती है। अल्लाह फरमाते हैं ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं मक्का की कसम क्यों उठाऊं? नहीं उठाता। ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद वअंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद ववालिदिन वमा वलद ववालिदिन वमा वलद ववालिदिन वमा वलद। महबूब